पुलवामा में आज ही के दिन शहीद हुए वीर जवानों को भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सहारनपुर 14 फरवरी 2021 को भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी के नेतृत्व में पुलवामा में पिछले वर्ष शहीद हुए जवानों की आत्मा की शांति के लिए भारतीय किसान यूनियन बेदी ने नुमाइश कैंप कार्यालय से चलकर घंटा घर तक कैंडल मार्च करके श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने कहा कि किसानों व जवानों की जान से जान न जाए, सरकार इसके लिए कड़ा फैसला ले। देश में किसान सीमा पर जवान का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। इस मौके पर पदाधिकारी व कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी, राष्ट्रीय महासचिव कारी नौशाद राव, प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन जिलानी, राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि राहुल शर्मा, प्रदेश सचिव राव रियाज, जिला अध्यक्ष तोहिद अली, मंडल अध्यक्ष कमाल नासिर, प्रभा महानगर अध्यक्ष करण प्रबंधा आदि मौजूद रहे। ब्यूरो सहारनपुर, हैदर अंसारी की रिपोर्ट। आज हमने अपने नुमाइश कैंप कार्यालय से लेकर कैंडल मार्च करते हुए घंटाघर चौक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च किया। और मैं सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन उन शहीदों को मत भूल जाना जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। मैं केंद्र सरकार से भी कहना चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि देश में किसान और सीमा पर जवान, यही हमारे किसान हमारा अन्नदाता है और सीमा पर जो जवान है वो हमारे दूसरे देशों से जो हमें सुरक्षित रखते हैं, इनके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इनकी जान जोखिम में ना जाए और इनकी जान बची रहे। आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन आप क्या संदेश देना चाहूँगा? मैं 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे के दिन संदेश देना चाहूँगा कि आज के दिन वैलेंटाइन डे मनाया गया, काला दिवस है हमारे लिए, हमें उन शहीदों के लिए याद रखना चाहिए। आज के दिन कोई भी वैलेंटाइन डे ना मनाए, पुलवामा में हुए हमले पर हमारे देश के जो शहीद हुए देनी चाहिए।